वही अगली खबर बुरहानपुर जिले से आ रही है, जहां जिले की ग्राम पंचायत चाकबारा अंतर्गत ग्राम घनश्यामपुर में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि सरपंच सचिव पंचायत ही नहीं पहुंचते तो हमारी सुनवाई कौन करे। साथ ही कहा गया कि पंचायत में हमेशा ताला लगा रहता है, शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए ग्रामीण महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की। तो ये खबर बुरहानपुर के अंतर्गत घनश्यामपुर से आ रही है, जहां ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों में इसको लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वही ग्रामीण महिलाओं का आरोप भी है, ग्रामीण महिला आरोप लगा रही हैं कि सरपंच सचिव पंचायत नहीं पहुंचते हैं। सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे गाँव में। सरपंच सचिव से शिकायत की आपने? सर वो दिखते ही नहीं, आते ही नहीं हमारे गाँव में, तो कहाँ से करें? सरपंच सचिव आते ही नहीं, पंचायत में भी नहीं मिलते। हमारी समस्या ये है कि हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, हमको पीएम आवास चाहिए। और फिर कुछ लोगों के गांव में ऐसे बहुत सारी समस्या है, तो हम अपने अकेले की समस्या के लिए नहीं आए। हम हमारे पंचायत में पूरे लोग ऐसे हैं कि बहुत परेशान हैं, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके यहाँ शौचालय नहीं है। कुछ दीदियाँ ऐसी हैं उनके पास, उनको पीएम आवास कुछ भी लाभ नहीं मिला। सचिव कहते हैं कि जाओ, मिलते भी नहीं। पंचायत में तो सरपंच रहती ही नहीं, पंचायत में ऐसे जाले लगे हैं सर। इसी मामले में और जानकारी के साथ हमारे साथ बुरहानपुर से हमारे सहयोगी गोपाल देवकर जी जुड़ चुके हैं। जी गोपाल, तो ये मामला आ रहा है घनश्यामपुर का, जहां महिलाओं को, ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या है पूरा मामला विस्तार से बताइए। नमस्कार, बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से शिकायतें हैं यहाँ पर घनश्यामपुरा में जो है, मूलभूत सुविधाएं तो मिल ही नहीं है जी। सबसे बड़ी बात है कि जब पंचायत पहुंचते हैं तो यहाँ पर ना तो सरपंच मिलता है ना सचिव मिलता है जी। जिसके चलते अपनी सुनवाई भी है किसी से नहीं कर पाते हैं, नहीं किसी को अपनी बात कह पाते हैं। जिसके चलते ये मूलभूत सुविधाओं से जो है बिल्कुल ही जो है उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अब यदि हम बात करें तो जिस तरह से हमें महिलाओं में हम आक्रोश व्याप्त है, और आक्रोश व्याप्त होने के चलते अब जो है पंचायत में जो है हमेशा ताला लगा रहने की बात भी कहते हैं, और इस बात को लेकर के हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसको लेकर के जो है कलेक्टर भुवन मित्तल के पास पहुंचे। अब देखना होगा कि आखिरकार इनकी सुनवाई किस तरह से होती है और क्या इन्हें जो है मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। जी नमस्कार जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्या इनको मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं को, ग्रामीणों को इससे दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि उनकी उनकी परेशानियां पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसको लेकर वो कलेक्टर के पास अभी गई भी हैं। जी नमस्कार, यदि हम बात करें तो महिलाओं को यहाँ ना तो बिजली, सड़क, पानी, और साथ ही साथ यदि हम आवास की बात करें तो इन्हें आवास भी नहीं मिल पा रहे हैं। और चूंकि पंचायत के चक्कर लगा लगा कर परेशान है, जिस तरह से महिलाओं का कहना है कि हम आवास के लिए जब पहुंचते हैं तो यहाँ कोई नहीं मिलता। यदि इस तरह की बात सामने आ रही है, बिजली की बात सामने आती है कि हम बिजली नहीं मिल पा रही, सड़क नहीं मिल पा रही, तो आखिरकार ग्रामीण महिलाएं परेशान होने के बाद ही जो है अपना कदम गांव के बाहर निकाली और जो जिस तरह से कलेक्टर भवन मित्तल के पास पहुंची है। अब जो है क्योंकि महिलाएं महिला की बात को बहुत आसानी से समझती है, और निश्चित तौर पर जिस तरह से आश्वस्त किया है कलेक्टर भव्या मित्तल ने कि अब जो है यहाँ पर सरपंच सचिव को बुलाकर उन्हें जो है सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी कही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खबर बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत चाकबारा का हमने आपको बताया, जहां घनश्यामपुर में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। महिलाओं का यह कहना है कि सरपंच सचिव पंचायत ही नहीं पहुंचते, और इसी को लेकर आज महिलाएं ज्ञापन सौंपने कलेक्टर के पास पहुंची है। तो देखते हैं कि यह मामला कब तक, महिलाओं की मांग पूरी होती है, महिलाओं की दिक्कत खत्म होती है।